Swayam Prabha. Digital India. Educated India. दोस्तों इस लेक्चर श्रृंखला में आधुनिक भारतीय इतिहास के इतिहास लेखन पर हम चर्चा करते आ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने सवर्टन स्कूल या उपाश्रित इतिहास लेखन की बात की इस लेक्चर में हम उस चर्चा को जारी रखेंगे और यहां हम उपाश्रित इतिहास लेखन से जुड़े हुए इतिहासकारों की कुछ रचनाएं उन रचनाओं की अहमियत आदि पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे यदि बहुत संक्षेप में पिछले लेक्चर की बात अब तक की गई उपाश्रित इतिहासधारा की बात बहुत संक्षेप में यदि करें तो आपको याद दिला दें कि जो सबसे अहम मसला है वह यह कि राष्ट्रवादी आंदोलन की जब हम बात करते हैं उस राजनीति की बात करते हैं तो इस विचारधारा के इतिहासकारों का मानना है कि दो पार्टों में हमें यह राष्ट्रवादी आंदोलन को देखना चाहिए एक तो अभिजात्य और दूसरा उपाश्रयित फिर हमने देखा कि अब तक के इतिहास लेखन की आलोचना करते हुए रणजीत गुहा ने यह तर्क रखा है कि अब तक का इतिहास दरअसल अभिजातियों का ही इतिहास रहा है जहां आम जन या उपाश्रित किस प्रकार अपनी शर्तों पर राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो रहे थे इस बात को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया गया है इसका विश्लेषण करना तो बहुत दूर की बात है तो इन मूल प्रस्तावना के बाद और इसकी अहमियत हमने पिछले लेक्चर में विस्तार से इसका इसकी चर्चा की थी यहाँ हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ इस इतिहास लेखन के उदाहरणों की बात करें रंजित गुहा के एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी का पिछले लेक्चर में हमने जिक्र भर किया था यहां गुहा औपनिवेशिक काल खासतौर पर 19वीं सदी में हुए अनेक आदिवासी विद्रोहों की गहन पड़ताल करते हैं और अब तक जिस प्रकार से इन आदिवासी आंदोलनों की बात की गई थी जिनमें इन आंदोलनों को स्पॉन्टेनियस अर्थात त्वरित विद्रोह माना गया था जहां औपनिवेशिक इतिहासकार या फिर बाद के इतिहासकारों ने आदिवासियों के अंधविश्वासों की बात की थी यह तर्क दिए गए थे कि आदिवासी आंदोलन विफल रहे क्योंकि उनमें संगठन का अभाव था उनमें भविष्य की कोई मुकम्मल योजना न थी इन सभी अहम पहलुओं को सिलसिलेवार तरीके से गुहा खंडन करते हैं और बताते हैं कि ये आदिवासी विद्रोह सुनियोजित थे इनमें भविष्य की मुकम्मल योजना थी और इनमें संगठन का भी अभाव नहीं था लेकिन जो बात रेखांकित होती है वो कि इस पुस्तक से वह यह कि जब हम इन आदिवासी विद्रोहों की बात करें तो सबसे पहले यह जरूरी है कि एक इतिहासकार के रूप में हमारे जो अपने पूर्वाग्रह हैं चाहे वह आंदोलन को लेकर पूर्वाग्रह हो या आदिवासी समाज को लेकर पूर्वाग्रह हो आदिवासी समाज के चेतना को लेकर पूर्वाग्रह हो सबसे पहले हमें उन पूर्वाग्रहों से मुक्त होना होगा और इन आंदोलनों को उनमें भाग लेने वाले व्यक्तियों के समाज के दृष्टि से उनके नजरिए से हमें इतिहास को गढ़ना होगा इसके लिए यह जरूरी है कि हम जिन सरकारी दस्तावेजों में जिन औपनिवेशिक दस्तावेजों में इन आंदोलनों का जिक्र हो रहा है रिपोर्टिंग हो रही है उन्हें रचनात्मक तरीके से और बारीकी से उनको पढ़ा जाए इसके लिए वे अपने बात के एक बहुत महत्वपूर्ण आलेख में प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी वहाँ वे वाल्टर बेंजामिन की संकल्पना अगेंस्ट द ग्रेन अर्थात जो दस्तावेज़ में जो टेक्स्ट में नहीं कहा जा रहा है उन अनुपस्थित बातों को जो कहा जा रहा है उसको उलट कर हमें पढ़ना होगा तो ऐसे गंभीर प्रयास और एक तरह से कह सकते हैं की रचनात्मक प्रयास उपाश्रित इतिहासकार कर रहे हैं जिससे इतिहास की नई समझ हमारे सामने उभर कर आती है यहां राजनीति और संस्कृति राजनीति और धार्मिकता राजनीति और सामाजिकता इन सबके बीच के ताने बाने को नए तरह से व्याख्यायित करने का प्रयास हो रहा है इसी कड़ी में दीपेश चक्रवर्ती की पुस्तक रीथिंकिंग वर्किंग क्लास हिस्ट्री हमारे सामने आती है जहाँ वे बंगाल के जुट मिल श्रमिकों का इतिहास लिख रहे हैं और वे बताते हैं कि यदि हम भारत में श्रमिक वर्ग की चेतना की बात करें वर्किंग क्लास कंससनेस की बात करें तो यह स्थानीय शर्तों पर तय हो रही है यहां वे यह दिखाते हैं कि जो श्रमिक वर्ग जूट मिलों में श्रमिक वर्ग थे वह दरअसल उनकी बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाके से कलकत्ता प्रवास के साथ आती है और यहाँ उस श्रमिक वर्ग चेतना को समझने के लिए हमें इस प्रवासी मजदूरों की सामाजिकता को समझना होगा इसी सामाजिकता के माध्यम से और इस सामाजिकता का स्वरूप दरअसल श्रमिक वर्ग चेतना के स्वरूप को तय कर रहा है तो संक्षेप में कहें तो जो श्रमिक वर्ग चेतना की एक वैश्विक संकल्पना हमारे दिमाग में है यदि हम बार बार उसी वैश्विक संकल्पना से यह परखते रहेंगे कि क्या भारत में श्रमिक वर्ग चेतना रही या उनका अभाव रहा तो दरअसल हम कभी भारतीय परिस्थितियां भारतीय इतिहास में जिस प्रकार से श्रमिक वर्ग चेतना का अनोखा स्वरूप गढ़ा जा रहा है वहां तक हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे तो भारतीय परिस्थितियों की विशेषताओं को हमें और उन विशेषताओं के जरिए ही हमें श्रमिक वर्ग चेतना का इतिहास लिखना होगा यहाँ सामाजिकता और संस्कृति का सवाल फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ वह क्षेत्रीय विशेषताएं जिनके माध्यम से श्रमिक वर्ग में आपसी संबंध पदानुक्रम आदि तय हो रहे हैं वह महत्वपूर्ण हो जाता है सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम शाहिद अमीन के दो अहम इतिहास लेखन की बात करेंगे पहला उनका आलेख गांधी एज महात्मा जो सवाल्टन स्टडीज़ के तीसरे खंड में जिसका प्रकाशन हुआ और यहाँ वे अफवाहों की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं जो विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में के पृष्ठभूमि में वहाँ फोकस्ड है यह काम और इस काम के जरिए वे बताते हैं शाहिद अमीन कि महात्मा गांधी की छवि जिन रूपों में कृषक समूहों के बीच उनका सर्कुलेशन हुआ उसमें अफवाहों की बड़ी अहम भूमिका रही और इन अफवाहों के जरिए दरअसल कृषक समुदाय महात्मा गांधी की छवि अपने मन में अपनी संस्कृति अपनी भाषा के जरिए घ रहा है जो जरूरी नहीं है कि वही छवि है जो महात्मा गांधी या उनके सहयोगी प्रचारित प्रसारित करना चाह रहे हैं यह वही छवि नहीं है जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जनता के बीच में प्रसारित कर रहा है यहाँ गांधी जी को ईश्वरी रूप में देखा जा रहा है अनेक किस्म की अफवाहें हैं कि जिसने भी महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया उसका बुरा हुआ जिसने साथ दिया उसका भला हुआ आदि आदि तो यह जो अफवाहों का आर्काइव है यह तो कोई प्रामाणिक बात नहीं हुई जिसे हम ऐतिहासिक सत्य रैशनल ट्रुथ की बात करते हैं लेकिन क्या इन अफवाहों के इन अफवाहों को हम कृषक चेतना को स्वरूपित करने वाले न मान लें क्या इन अफवाहों की इतिहास में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए क्या हमारा सोच हमेशा उन पाठ्य पुस्तकों से बना होता है जो तार्किक होते हैं क्या समाज के सोच में सामूहिक सोच में इन अफवाहों की भूमिका को हम नज़रअंदाज करें और यदि नहीं तो क्यों नहीं हम इन अफवाहों को ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में सत्य और झूठ से परे इनकी राजनीति को समझने की कोशिश करें यह एक अद्भुत आलेख है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शाहिद अमीन की पुस्तक 1922 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही घटित चौरी चौरा की घटना के ऊपर केंद्रित है 1922 में 5 फरवरी को एक उग्र भीड़ ने चौड़ी चौरा नामक गांव में अंग्रेजों अंग्रेज सरकार के एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया और जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मारे गए इस भीड़ ने उग्र भीड़ ने उस पुलिस थाने में आग लगा दी इस एक घटना के कितने आयाम हो सकते हैं इस घटना की महात्मा गांधी और सभी राष्ट्रवादियों ने सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने एक सिरे से आलोचना की महात्मा गांधी ने कहा कि देश अभी अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने असहयोग और खिलाफत आंदोलन का नारा वापस ले लिया लेकिन एक हिस्ट्रो हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह शाहिद अमीन इस घटना की राष्ट्रवादी आख्यान इसके स्थानीय आख्यान इस घटना के मिथक हो जा हो जाते इतिहास की बात करते हैं जहा औपनिवेशिक आर्काइव हिस्टोरिकल फील्ड वर्क मिथक ऐतिहासिक प्रमाण सभी कुछ दर बदर नए रूपों में नए कलेवर के साथ एक पाठक के समक्ष आता है जिसे हिस्टोरियंस क्राफ्ट कहते हैं उसका यह किताब भारतीय संदर्भ में ही नहीं वैश्विक संदर्भों में भी एक नायाब उदाहरण माना जा सकता है वहीं दूसरी तरफ ज्ञानंद पांडे और डेविड हार्डिमन जैसे इतिहासकार हैं जिन्होंने कृषक आंदोलनों की का इतिहास लिखा ज्ञानेन्द्र पांडे ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुए आंदोलन कृषक आंदोलन पर लिखा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के इतिहास पर काम किया दूसरी तरफ डेविड हार्डिमन गुजरात के खेड़ा जिले में कृषक आंदोलनों की बात करते हैं और दक्षिणी गुजरात में आदिवासियों के मध्य सन 1920 के दशक में देवी आंदोलन की बात वो करते हैं ज्ञानेन्द्र पांडे और हार्डिमन दोनों ने ही यह दिखलाने की कोशिश सफल कोशिश की है कि किस प्रकार इन जगहों पर दिल्ली से दूर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके या दक्षिणी गुजरात के आदिवासी इलाकों में जो आंदोलनकारी हैं वे गांधी को अपने ही मन की छवि से गांधी की छवि को गढ़ रहे हैं जहां गांधी कभी जैसे डेविड हार्डिमन दिखाते हैं कि वहां आदिवासियों की देवी के साथ महात्मा गांधी चरखा काटते हुए नजर आते हैं इन छवियों के द्वारा जो आप कहें तो निष्पक्ष ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल ट्रूथ से बहुत भिन्न है गांधी जी की एक दैवीय छवि का निर्माण हो रहा है जो बात हमने शाहिद अमीन के गांधी एज महात्मा की बात की थी वही यहां अलग तरह से अलग रूपों में हमें देखने को मिलता है इन छवियों में गांधी जी एक दैवीय रूप में है उन्हें कई दफा कई उदाहरणों में हम एक अहिंसक नेता के रूप में भी नहीं पाते गांधी जी की बातों से उनके मैसेजेस उनके अपील उनके गांधी की गांधी जी के अपने जो फलसफे हैं उनसे बहुत दूर है यह जमीनी हकीकत ज्ञानन पांडे की दूसरी किताब जो सांप्रदायिकता के औपनिवेशिक कॉन्स्ट्रक्ट की ओर है औपनिवेशिक निर्मितियों की तरफ हमारा ध्यान खींचती है और वे बताते हैं कि किस तरह से औपनिवेशिक दस्तावेजों में और ज्ञान एवं सूचना के आख्यानों में दो समुदायों के बीच के संबंध समय के साथ सांप्रदायिकता के विशेषण के साथ नवाजे जा रहे हैं और यहां फिर से मैं कहूं जिस प्रकार रंजीत गुहाक के हमारे पहले जिक्र में मैंने कहा कि एक ओपनिवेशिक आर्काइव को कितने अलग अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है एक छोटी सी घटना बनारस में होती है और उस घटना का रिपोर्टिंग अलग अलग समय में किस तरह से अलग अलग तरीके से हो रहा है और उसकी छवियां किस तरह से नए रूपों में पेश की जाती हैं इसका यह अनूठा उदाहरण है यदि हम आगे अपना रुख पार्थ चटर्जी की तरफ करें एक महत्वपूर्ण उपाश्रित विद्वान उपाश्रित इतिहास धारा के विद्वान पार्थ चटर्जी एक राजनीतिक सिद्धांतकार राजनीतिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने बंगाल के संदर्भ में निजी संपत्ति के इतिहास की चर्चा की लेकिन यहां मैं इनकी दूसरी किताब जो राष्ट्रवाद के नए सिद्धांतों को गढ़ रही हैं उसकी संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा वह है नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स यहां पर चटर्जी हमें राष्ट्रवाद को संकल्पनात्मक स्तर पर औपनिवेशिक समाज में किस तरह से समझा जाए उसकी एक नई व्याख्या लेकर आते हैं इसे समझने से पहले मैं यह बताते चलूं कि जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कुछ पहले जब हम मार्क्सवादी इतिहासधारा की बात कर रहे थे तो ए आर देसाई के हवाले से कहा था कि वहाँ राष्ट्रवाद को एक ऐतिहासिक तथ्य माना जाता है न कि एक प्राइमोडियल कॉन्सेप्ट एक ऐसा तथ्य जो किसी खास हिस्टोरिकल जंक्शन में किसी खास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जिसका उदय होता है जिसका विकास होता है इस व्यापक मार्क्सवादी नजरिए से देखते हुए एक मशहूर सिद्धांतकार हुए बेनेडिक्ट एंडरसन इन्होंने बहुत प्रभावशाली तरीके से यह आर्गुमेंट रखा कि राष्ट्र दरअसल एक इमेजिंड कम्युनिटी है इमेजिड कम्युनिटी कहने का यह मतलब नहीं कि इमेजिनेशन कल्पना को हम झूठ और सत्य कसौटी पर रखकर देखें उस चौकठे में रखकर देखें इमेजिंड कम्युनिटी कहने का अर्थ यह कि कोई भी समुदाय जो फेस टू फेस कांटेक्ट से परे होता है जहां लोग और समाज समुदाय अलग अलग समुदाय अलग अलग एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं वहां उनमें जुड़ाव की जो बात होती है जो लगाव होता है वह बहुत अप्रत्यक्ष कारणों से होता है वह समाचार पत्रों के माध्यम से होता है एक जिसे वे कहते हैं वी फीलिंग जहां आप और हम मैं और आप मिलकर एक सामूहिक हम का निर्माण करते हैं हम दिल्ली में हैं कोई मद्रास में है कोई बंगाल में है फिर भी हमारे बीच यह एक सामान्य कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हम सभी भारतवासी हैं तो यह जो एक कॉमनैलिटी है यह जो सामूहिकता की परिकल्पना है जिसमें हम सभी अपने को उस समूह के सदस्य के रूप में देखने लगते हैं इसकी बात वे कर रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि दरअसल राष्ट्रवाद पहले पश्चिमी यूरोप में 18वीं सदी में उसका उदय होता है औद्योगिक पूंजीवाद के पृष्ठभूमि में और पश्चिमी यूरोप में उपजा राष्ट्रवाद दरअसल दूसरे जगह एक मॉड्यूलर फॉर्म में एक मॉडल की तरह प्रसारित हुआ खासकर औपनिवेशिक समाज में तो औपनिवेशिक समाज का राष्ट्रवाद उस नजरिए से दरअसल एक उधार ली हुई संकल्पना है पार्थ चटर्जी ने इसका सिलसिलेवार खंडन किया और दिखाया कि भारत में जो राष्ट्रवादी नेतृत्व रहा जो चिंतक रहे उनका विचारधारा किस प्रकार पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रवाद की विचारधारा से नितांत भिन्न रहा इसी के साथ यदि हम आगे बढ़ें यहाँ मैं जाहिर सी बात है कि बहुत विस्तार में किसी एक कृति या एक इतिहासकार की बात नहीं कर पाऊँगा समय की अपनी सीमा है और हमें इन उदाहरणों के आगे कुछ अहम बिंदुओं को रेखांकित भी करना है जिससे उपाश्रित इतिहास धारा का एक सम्यक मूल्यांकन हो सके और वहां से हमें कुछ इतिहास दृष्टि की प्राप्ति हो सके दूसरी तरफ ज्ञान प्रकाश ने बंधुआ मजदूर के समुदाय पर काम किया भूमिहीन मजदूर के समाज के ऊपर और दिखाया कि किस प्रकार वहां दावेदारियों का प्रतिदावों का एक अद्भुत खेल चल रहा है किस प्रकार ये भूमिहीन कृषक मजदूर और उनका यह काम बिहार के गया जिले के भूमिहीन कृषक मजदूरों के समाज पर केंद्रित है यह समाज किस प्रकार अपने स्पिरिट वर्ल्ड में अपनी धार्मिकता और अपने विश्वासों की दुनिया में अलग किस्म के दावे कर रहा है और वहां उनकी नैतिकता उनकी राजनीति वही नहीं है जो कि एक बुर्जुआ सामाजिक मूल्य जिसे हम कहें तो जब हम भूमिहीन कृषक मजदूरों की चेतना उनकी सामाजिकता की बात करें तो हमारे समक्ष जो वैश्विक या डोमिनेंट वैल्यू सिस्टम्स हैं जो वैश्विक संकल्पनाएं हैं इतिहास की सामाजिकता की हमें उन्हें ताक पर रखकर नए सिरे से सोचना होगा इसी तरह अलग अलग इतिहासकारों की बात हम करते जा सकते हैं लेकिन यदि कुछ मोटे रुझानों की बात करें तो तीन महत्वपूर्ण पड़ाव हमें उपाश्रित इतिहासधारा में देखने को मिलते हैं तीन मोटे चरणों में हम अपनी सहूलियत के लिए इस इतिहासधारा को बांट सकते हैं पहला चरण जो उन्नीस में जब सवर्टन स्टडीज की पहली पुस्तक आई थी पहले तीन खंडों में एक आरंभिक दौर का यह चरण था जहां एक किस्म की आक्रामकता हमें इन इतिहासकारों के आर्ग्यूमेंट्स में मिलता है जहां अब से पहले किए गए इतिहास से बहुत अलग कुछ करने की नए विषयों को सामने लाने की बात थी लेकिन फिर उन्नीस तक आते आते इस पहले चरण की कुछ महत्वपूर्ण कमियां सीमाएं उनकी तरफ इन्हीं इतिहासकारों के मध्य से और विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूंगा गायत्री चक्रवर्ती स्पीबाक के द्वारा हमारे सामने इस पहले चरण की आलोचना सामने आती है जिसमें यदि चंद महत्वपूर्ण सवालों को मैं यहां जिक्र करूंगा तो एक बड़ा मुद्दा गायत्री चक्रवर्ती इस ने उठाया कि इस उपाश्रित इतिहास लेखन में नारी की उपस्थिति को क्यों नजरअंदाज किया गया यह क्यों एक पुरुषवादी उपाश्रित वर्ग का इतिहास है दूसरी महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चित सवाल वे उठाती हैं वह यह कि क्या उपाश्रित वर्ग खुद अपनी बात कहने में सक्षम है अंग्रेजी फ्रेज जो बात के दशकों में काफ़ी चर्चित रहा वह प्रश्न है कैन सवॉल स्पीक और इस सवाल के तमाम सैद्धांतिक पहलुओं की बात करते हुए वे कहती हैं कि वे दरअसल हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं कि एक ऐसा वर्ग जो साक्षर नहीं है जो लिखना नहीं जानता है वह वर्ग दरअसल लिखित साक्ष्यों के माध्यम से हमारे सामने पहुंच रहा है तो ऐसे में आर्काइव और उस आर्काइव उन दस्तावेजों को पढ़ने वाले इतिहासकार इन दोनों की मध्यस्थता किसी भी उपाश्रित इतिहास के ज्ञान मीमांसा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इस मध्यस्थता की बात हम कैसे करें इसके साथ ही जो दूसरा चरण उपाश्रित विचारधारा का हम पाते हैं वहां मेथड्स, ऐतिहासिक पद्धतियों की गहन छानबीन वहां औपनिवेशिक साक्ष्यों से परे जाने की बात या फिर औपनिवेशिक साक्ष्यों को नए आलोचनात्मक दृष्टि से जिसे मैंने अभी जिक्र किया वाल्टर बेंजामिन का फ्रेज अगेंस्ट द ग्रेन हमें कैसे हम पढ़ सकते हैं साथ ही अब यह स्पष्ट होने लगा था कि उपाश्रित इतिहास लेखन में इतिहासकारों को औपनिवेशिक आर्काइव से परे जाना होगा साहित्य की भूमिका मौखिक इतिहास की भूमिका यहाँ अहम हो जाती है तो इस दौर में जैसे कि ज्ञानेन्द्र पांडे ने विभाजन की पीड़ा के इतिहास की बात की जिस बारे में हम जब विभाजन पर केंद्रित लेक्चर में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे आदि विषय महत्वपूर्ण हैं तीसरा चरण जो 1990 के दशक में हम जब उपाश्रित इतिहास धारा को पाते हैं वहां हम इन इतिहासकारों को बड़े सैद्धांतिक प्रश्नों के साथ रूबरू पाते हैं जैसे कि दीपेश चक्रवर्ती ने बहुत प्रभावशाली तरीके से इस बात को उठाया कि किस प्रकार उपनिवेश उत्तर काल में पोस्ट कोलोनियल समय में उत्तर औपनिवेशिक चिंताओं के साथ हम औपनिवेशिक समाज का इतिहास लिखें और जो बेसिक समाज का उपासित इतिहास हम लिखें वह किस प्रकार इतिहास की जो यूरोप केंद्रित अवधारणा है उसको न तो नजरअंदाज कर सकती है ही उसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकती है तो ऐसे में यह जो पोस्ट कोलोनियल हिस्ट्री है उसकी क्या चुनौतियां हों उसकी क्या संभावनाएं हों यहां इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि पार्थ चटर्जी औपनिवेशिक समाज में समय की अवधारणा के साथ संवाद करते हमारे सामने आते हैं और नई समझ बनाते हैं अब पहली बार अल्पसंख्यक समुदायों के इतिहास की तरफ उपाश्रित इतिहासकार अपना रुख करते हैं मुस्लिम समुदायों का इतिहास कैसे लिखा जाए यह चर्चा में आता है इन सब का यदि हम फिर से मूल सवाल कुछ मूल सवाल की तरफ आए तो एक तो राजनीति राजनीति और धार्मिकता के बीच का संबंध है राजनीति की क्या नई संकल्पना सवर्टन हिस्टोरियंस हमारे सामने लाते हैं वो बात है क्योंकि जब हम निम्न वर्ग की भागीदारी की बात करते हैं तो ये जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं 1960 के दशक से जो ब्रिटिश समाज सामाजिक इतिहासकार हैं वो भी लगातार श्रमिकों की बात कर रहे हैं निम्न वर्गों की भागीदारी की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ महज वही नहीं है यहाँ उनकी चेतना की बात है और इसीलिए इस चेतना का सवाल इस धरातल पर सबॉल्टन हिस्ट्री लेफ्टिस्ट हिस्ट्री या लेफ्ट सोशल हिस्ट्री से अलग नजर आता है अब जैसे वापस हम इसे राजनीति राजनीति की नई समझ की बात करें तो यूरोप में हॉब्सबॉम भी औद्योगिक क्रांति से आधुनिक समय से पहले के अनेक प्रकार के उदाहरण के साथ वे निम्न वर्गीय समाज के हिंसा की बात करते हैं सोशल बैंडिट्री की बात करते हैं रॉबिनहुड के उदाहरण की पड़ताल करते हुए और वहां जो बात वे हमारे सामने लाते हैं वह यह कि उस समाज में भी जहाँ ये सोशल बैंडिट्री के एपिसोड्स हो रहे हैं वहां भी राजनीति की अवधारणा तो थी लेकिन उसका उसके स्वरूप को परिभाषित करते हुए हॉब्सवॉम उसे प्री पॉलिटिकल कॉन्शसनेस अर्थात पूर्व राजनैतिक चेतना का नाम देते हैं पूर्व राजनीतिक चेतना इसलिए क्योंकि जो राजनीति की संकल्पना एक सार्वभौमिक संकल्पना के तरह मान्यताओं के साथ सामने आती है यह उन, उन मान्यताओं उनकी शर्तों पर खरा नहीं उतरता है इसके बरक्स इसकी आलोचना करते हुए रंजित गुहा कहते हैं कि आधुनिकता से पूर्व के समाज या आधुनिकता से बाहर के समाज जैसे औपनिवेशिक समाजों में जब हम राजनीति की बात करें तो उन्हें हम हमेशा राजनीति की बुरजुआ पार्लियामेंट्री मानकों के शर्तों पर जज न करें भारतीय संदर्भ में वे जैसे बताते हैं एक उदाहरण के तौर पर मैं कहूं तो 1855 में आदिवासी विद्रोह की बात करते हुए वे बताते हैं कि किस तरह से सिद्धू और कानू दो आदिवासी नेता उन्हें उनके अनुयायी यह मानने लगे कि उनके नेता के देह में साक्षात ईश्वर का वास हो गया है उनके देह उनका देह ईश्वर जो ठाकुर के नाम से वहाँ माने जाते थे वहाँ साक्षात ठाकुर का अवतरण हुआ है और इसलिए इन आदिवासियों का मानना था कि अब अंग्रेजों की गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस मान्यता को फॉलो करते हुए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया अब इस तथ्य को कैसे देखें जो औपनिवेशिक एडमिनिस्ट्रेटर हिस्टोरियंस क्रॉनिकल्स हमारे सामने इसका रपट इसकी रपट के साथ आते हैं या परवर्ती औपनिवेशिक इतिहासकार ये सभी इस घटना को आदिवासियों के अंधविश्वास के रूप में खारिज करते हैं और उन्होंने माना कि इसी अंधविश्वास के कारण आदिवासी आंदोलन असफल रहा लेकिन क्या हम एक इतिहासकार के नाते इस विश्वास को आदिवासियों के द्वारा अपने देह को देखने के अपने नेता के देह को देखने के उनकी मान्यताओं को उनकी धार्मिकताओं को खारिज कर दें क्योंकि यह तार्किक रैशनल हिस्टोरिकल ट्रुथ की शर्तों से परे है या फिर हम इन उदाहरणों को नए सिरे से पढ़ें और धार्मिकता और राजनीति के बीच मान्यता और राजनीति के बीच जो एक जटिल संबंध है उसे बगैर प्री पॉलिटिकल या पोस्ट पॉलिटिकल या टेम्पोरल या इरेशनल आदि विशेषण के हम एक इतिहासकार के नज़रिए से उसमें भाग लेते हुए आदिवासियों के नज़रिए से हम इनका विश्लेषण करें ऐसे में इतिहास जो एक रैशनल विषय एक रैशनल साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह अपने को वैश्विक स्तर पर अपने दावे कर रहा है उन दावों का क्या हमारे सामने अनेक जटिल सवाल एक एक कर उभरते आते हैं अब यदि जैसा कि मैंने कहा एक या दो लेक्चर में इन सभी विषयों को एक साथ लाना इन पर विस्तार से बात करना संभव नहीं लेकिन जो सवाल छूटते हैं जिस तरह से औपनिवेशिक समाज की संश्लिष्टताएँ हमारे सामने उनकी विशिष्टताएँ हमारे सामने औपनिवेशिक क्षमा करें उपाश्रय चेतना के इर्द गिर्द नए सवाल छोड़ती है वह अहम है यहां दूसरे स्तर पर देखें तो इससे पहले जिस प्रकार से इतिहासकार अंग्रेजी दस्तावेजों के साथ ही उन दस्तावेजों के आधार पर इतिहास लिखते हुए मिलते हैं वहीं यहाँ बगैर औपनिवेशिक आर्काइव की उपेक्षा किए हुए नए स्रोतों का जखीरा जो देसी भाषा में लिखे गए स्रोत हैं जो अफवाह हैं जो मिथक हैं जिन्हें अब तक इतिहास अंधविश्वास कहता रहा जिन्हें ऐतिहासिक प्रमाण मानने से इनकार करता रहा इनकी अहमियत हमारे सामने आती है हमारे सामने एक बड़ा दरीचा खुलता है कि हम उन समाज का उस समुदाय का इतिहास कैसे लिखें जो अपना इतिहास स्वयं लिखने के में समर्थ नहीं रहे ऐसे में इतिहास एक विषय और इतिहासकारों की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है यह जिम्मेवारी पद्धति के स्तर पर किस तरह से नए सवाल उठाए जाएं, किस तरह से ऐतिहासिक शिल्प को नए तरीके से गढ़ा जाए किस तरह से नए साक्ष्यों की तलाश की जाए और फिर किस तरह से हम इस इतिहास को आर्काइव और फील्ड वर्क के जरिए इकट्ठा किए हुए नए साक्ष्यों को किन नए ऐतिहासिक संकल्पनाओं के साथ पेश करें किस नए सैद्धांत की गढ़ें यह सब बेहद मानिखेज हो जाता है तो यहाँ मैं विराम लेता हूँ हमारी चर्चा जारी रहेगी और आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम उपाश्रित इतिहास लेखन की के प्रभावों की और इनके आलोचनात्मक नज़रिए से जो एक ज्ञान विज्ञान का इतिहास का एक नया अध्याय खुला उसके ताल्लुकातों की बात करते रहेंगे शुक्रिया